हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम पढ़ लेते फैक्टराइजेशन और इस चैप्टर का पूरा लिंक अगर आपको चाहिए, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 फुल लिंक अगर इसका चाहिए आपको, प्लेलिस्ट फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां पे आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, करेक्ट, उस पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन होकर आ जाएगी। बच्चों, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से, करेक्ट। नाउ इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करेंगे, बट इसके पहले के कॉन्सेप्ट बच्चों प्लीज सीख लीजिए, प्लेलिस्ट को विजिट करिए, पिन कमेंट में प्लेलिस्ट दी हुई है इस चैप्टर की, ठीक है। अब बहुत सारे गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे फ्रेशर टीचर्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या आप क्लास 8 का मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथमेटिक्स बेसिक सीखना है क्लास 8 का, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल किया जाएगा और किया जा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप विजिट कर सकते हैं। वहां सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं और वहां पर हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है, और हमने सोचा कि क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक डेडिकेटेड चैनल बनाया जाए। तो बातें बहुत हो गई, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं फाइनली, कि अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप व्हाट्सअप करोगे तो लिंक हम आपको यहां से सेंड कर देंगे, और व्हाट्सअप नंबर है बच्चों प्लीज नोट कर लीजिए, 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे, बट प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, कॉल मत करिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 227 पे देखेंगे, तो वो आपसे बोल रहा है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, ओके। सो आपको कुछ डिविजन्स करने हैं। देखिए, फर्स्ट आपको एक पॉलिनोमियल है, करेक्ट, और एक मोनोमियल है, ठीक है, वन टर्म है यहाँ, टू टर्म है, ठीक है, यानी कि बाइनोमियल है, मोनोमियल है। तो देखिए बच्चों, इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमको 10x माइनस 25 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, ओके। सो डिवाइडेड बाय 5, करना कुछ नहीं है बच्चों इसमें, आपको न्यूमरेटर में से कुछ ऐसा कॉमन लेके आना है जो डिनोमिनेटर से मैच कर रहा हो, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे करता हूँ मैं, या यहीं पे कर देता हूँ। बच्चों 10x को आप क्या लिखोगे, 10 को आप लिखोगे 2 into 5, 10 को आपने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में 2 into 5, और इंटू में क्या है, x है, करेक्ट। माइनस 25 को आपने क्या लिखा, 5 into 5, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, करेक्ट। नाउ अब देखिए, ये फर्स्ट टर्म में बच्चों क्या आ रहा है, 5, सेकंड टर्म में भी क्या कॉमन आ रहा है, 5, करेक्ट। देखिए फर्स्ट टर्म में भी 5 है, सेकंड टर्म में भी 5 है, ठीक, तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 5 चला गया, क्या बचा, 2 into x, ओके। आई एम वेरी सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉल मत करिएगा, देखिए दिन भर ऐसे व्हाट्सएप आते रहते हैं। बहरहाल 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया बच्चों, ओके। सो 2 into x फर्स्ट टर्म में बचा, माइनस ये 5 बाहर चला गया, क्या बच गया, 5, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बच्चों, 5। नाउ अब आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, ये जो 5 बाहर आया है ब्रैकेट के, करेक्ट, ये 5 इंटू दिस ब्रैकेट, ऐसा कुछ है ना, तो ये 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे 5 से 25 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके स्टूडेंट्स। सो आंसर आ गया आपके पास क्या, 2 into x, यानी कि 2x माइनस 5, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ बच्चों कि इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, बट ध्यान दें कि आप अभी 5 को 25 से, मतलब 25 को 5 से भी आप कैंसिल नहीं कर सकते, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, 25 को 5 से कैंसिल ऐसा नहीं करना कि 5 into 5 है ना, अभी नहीं कर सकते हो, या 5 into 5 5 to 10 ना, इसको पहले 2 पार्ट्स में आप स्प्लिट करोगे तब ऐसा कर सकते हो। अगर आपने इसको ऐसा कर दिया 10x/5 माइनस 25/5, अब आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो 10x के नीचे भी 5 जाएगा, माइनस 25 के नीचे 5, अब आप 25 को 5 से कट कर सकते हो, 10 को 5 से, करेक्ट। तो 5 into 5 5 5 is 25, 5 into 5 5 5 2 is 10, सो 2 into x 2x बच गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पर बच गया 5। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी हैंडल कर सकते थे, तो आपका आंसर है 2x-5, आपको ऐसे करना था आप ऐसे भी कर सकते थे, 2x-5, ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 2, 10x-25, सो 10x बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, 10x-25 और डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास, 2x-5, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, 10 को आपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, 2 into 5, और इंटू में क्या है, x है, करेक्ट। फिर ये वाले माइनस को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, देखो 10 को क्या लिखा,
2 × 5 × x, ठीक। फिर माइनस कॉपी कर लिया बच्चों, फिर 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 5, ओके। सो बाकी आप समझदार हो, 25 को 5 × 5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या है, 2x − 5, सो 2x − 5, करेक्ट स्टूडेंट्स, सो 2x − 5 इस तरीके से, ठीक। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, 5, यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे, सो 5 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है, 2 × x माइनस सेकंड टर्म से 5 चला गया तो 5 बचा, अपॉन में क्या बचा है, 2x − 5, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप में, ये 5 का मतलब क्या है, 5 × this, है ना, ऐसा कुछ। सो 5 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, इंटू में क्या हो गया, 2 × x − 5 अपॉन में क्या है, 2x − 5, सो 2x − 5। नाउ अब ये 2x − 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। ये लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 3, 10y इन द ब्रैकेट 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 इन द ब्रैकेट 2y प्लस 7, ओके। नाउ अब आप ध्यान दे सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इजीली आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, न्यूमरेटर को देखना पहले, ठीक। 10 को आपने क्या लिखा, 2 × 5, इंटू में क्या है, y है, और यहाँ पे भी इंटू है ना, सो इंटू, और ब्रैकेट में देखिए बच्चों, ब्रैकेट में क्या है, ध्यान दें प्लीज, 6 को हमने लिखा क्या, 2 × 3 लिख सकते हैं, यस, 2 × 3 इंटू में y, ठीक है। 6 को क्या लिखा हमने, 2 × 3 × 6 होता है, इंटू में y, और प्लस ध्यान दें बच्चों, 21 को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म के फॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखोगे, सो 21 को आपने 3 × 7 लिखा, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय क्या है, 5 इंटू में इन द ब्रैकेट 2y + 7, ठीक। ये देखिए बच्चों, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, मतलब ये ब्रैकेट के बाहर का पोर्शन अगर मैच कर रहा हो तो कट जाएगा, करेक्ट। कभी कभी ब्रैकेट अगर ब्रैकेट से मैच कर गया तो वो भी कट जाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं क्या ये वाला ब्रैकेट इससे मैच करेगा, तो इसके लिए तो आप देखोगे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है, क्या है, 3, सेकेंड टर्म में क्या है, 3, तो 3 तो आ जाएगा कॉमन, ओके स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या होता है, ध्यान दें क्या बचा है यहाँ पर, 2 × y, सो 2 × y बचा, बाहर तो 2 × y बचा हुआ है, और अंदर से फर्स्ट टर्म से 3 और सेकंड टर्म से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 आ गया इस तरीके से कॉमन, और इन द ब्रैकेट क्या बच गया, ब्रैकेट में ये 3 चला गया फर्स्ट टर्म में, 2 × y और प्लस सेकेंड टर्म से बच्चों 3 बाहर चला गया था, क्या बचेगा, 7 है, वेरी सॉरी, ये रात में रिकॉर्डिंग हो रही है आज, सो जब टाइम मिलता है तो किया जाता है, थोड़ी परेशानी तो होती है लेकिन क्या कर सकते हैं। नीचे देखिए बच्चों, 2y + 7, ओके, ये नाउ अब आप देखोगे 2 × 3 क्या होता है, 6, ओके, 2 × 3 = 6, और साथ में क्या है, इंटू में y, 6 × y, और तो 6y हो जाएगा ये बाहर, ठीक, और ब्रैकेट में क्या बचा है यहाँ पर, 2 × y, 2y + 7, और अपॉन में क्या हो गया, 2y + 7, ये देखिए बच्चों, देख सकते हो 2 × 3 = 6y, 6y, और इंटू यहाँ पे इंटू ये ब्रैकेट में 2 × y + 7, यानी कि 2y + 7, नीचे भी क्या है, 2y + 7, 2y + 7 से 2y + 7 देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और आपके पास क्या आ गया, 6y, सो योर आंसर इज व्हाट, 6y, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, प्लीज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। लेते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट, तो यहाँ से देखिए हमको दिया हुआ है 9x² y² इन द ब्रैकेट 3z −24, ओके, डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, 27xy इन द ब्रैकेट z − 8, करेक्ट, z − 8, करेक्ट। नाउ अब देखते हैं बच्चों, यहां पे इक्वल है, करेक्ट, अब ध्यान दें प्लीज, देखिए बच्चों यहां पर आप देख सकते हो ये 9 है, 9 को ऐसे ही रहने दो ना, 9 को आप अगर चाहो तो 3 × 3 लिख सकते हो, बट हम नहीं लिख रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि 27 को हम 9 × 3 लिखेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को x × x लिख सकते हो, इंटू में वाई स्क्वायर को आपने y × y लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दें बच्चों, 3z को आपने लिखा 3 × z −24 को आपने लिखा 3 × 8, करेक्ट, ठीक है बच्चों, क्योंकि क्लियरली आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म में भी 3 है, सेकंड टर्म में 3 आना चाहिए, है ना, तभी तो कॉमन आएगा, 3 × 8 = 24 होता है, 3 × 8 लिखा, अगर आप चाहो 8 को 2 × 2 लिख सकते हो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है यहाँ पर। नाउ डिनोमिनेटर में
ध्यान दें बच्चों यहाँ 27 है, 27 को मैंने लिखा 9 इंटू 3 है ना, 9 3 जो 27 इंटू में क्या है x इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई इन द ब्रैकेट z माइनस 8। ओके ये इस तरीके से, नाउ 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो जाएगा ठीक। उसके बाद आप देखोगे बच्चों ये वाला x x से कैंसिल होगा और ये वाला y y से कैंसिल हो जाएगा ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब ध्यान दें स्टूडेंट सभी बच्चे, देखो बच्चों यहाँ पर क्या बचा x इंटू वाई ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं x इंटू वाई बच्चा इंटू में, अब ध्यान दें प्लीज ये फर्स्ट टर्म है 3 आ रहा है, सेकंड टर्म में 3 हो गया कॉमन, तो 3 हो गया ब्रैकेट के बाहर। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में क्या आया भाई, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आया बाहर, मल्टीप्लाई हो गया x और y में है ना, यानी कि x इंटू वाई इंटू 3, x इंटू वाई इंटू 3, 3 अंदर से कॉमन आया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में बचेगा z माइनस, सेकेंड टर्म में बचेगा क्या 8, ये देखिए, और डिवाइडेड बाय ध्यान दें नीचे क्या बचा 3 बचा ठीक, ये 3 बचा और क्या बचा 3 इंटू में z माइनस 8 बचा हुआ है। ओके तो 3 इंटू में z माइनस 8 बचा हुआ है करेक्ट। मैंने आपको बताया था क्या कि अगर ब्रैकेट ब्रैकेट से मैच कर रहा हो तो कट जाता है, z माइनस 8 कैंसिल होगा ठीक। 3 से मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में x इंटू वाई है ना, यानी कि x इंटू वाई कितना होता है एक्स वाई, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके नोट कर लीजिए, लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, 96 ए बी सी इन द ब्रैकेट 3a-12 इंटू 5b-30 डिवाइडेड बाय 144a-4b-6 ठीक। देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में, आप शायद इसको बहुत लेंदी कर दे रहे हो, मैं बहुत ईजिली आपको बताता हूँ। देखो बच्चों ये पूरा जो है न्यूमरेटर बनेगा है ना, तो इसको हम लिखते हैं, ध्यान देंगे प्लीज, तो पहले तो कॉपी करते हैं है ना, 96 इंटू में a इंटू बी इंटू सी, ओके यानी कि अब देखो a इंटू बी इंटू सी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ए बी सी ही लिख दे रहा हूँ मैं, क्यों सर लिखना हो आप लिख दो क्या कर सकते हैं लोग, इसलिए नहीं लिख रहा था ना क्योंकि नीचे बच्चों कहीं पर भी ए बी सी नहीं आ रहा है ना, a माइनस 4 आ रहा है, b माइनस 6 आ रहा है, नीचे तो ए बी सी नहीं आ रहा है कि ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, ऐसा तो नहीं है ठीक है ना, कोई बात नहीं लिख दिया तो लिख दिया। अब ध्यान दो 96 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यहाँ भी इंटू होगा ओके, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, सो इंटू ये सी लिखा हुआ है ठीक है ना, ये सी है करेक्ट, इंटू ब्रैकेट में बच्चों ध्यान दें प्लीज़, यहाँ पर ध्यान दें 3a माइनस 12, फिर यहाँ भी इंटू होगा ओके, दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, सो इंटू 5b-30 करेक्ट, फिर डिवाइडेड बाय का साइन है यानी कि यहाँ पे आप पूरा निशान लगाएंगे ऐसे डिवाइडेड बाय का ठीक, फिर क्या है 144 ओके, सो कॉपी कर लेते हैं इसको, 144 इंटू ध्यान दें बच्चों 144 इंटू ए माइनस 4 इंटू बी माइनस 6 ठीक, तो यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू हम मानेंगे, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू मानेंगे करेक्ट, 144 इंटू ए माइनस 4 इंटू बी माइनस 6, तो 144 इन द ब्रैकेट ए माइनस 4 इंटू व्हाट बी माइनस 6 ओके। नाउ अब बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि 144 का मतलब क्या होता है ना बच्चों, देखो मेरे क्या दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है भाई, 12 8 जा कितना होता है 96, यानी कि 96 को क्या लिखोगे 12 इंटू 8, और बच्चों इतना मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि 12 इंटू 12 तो भाई 144 होता है, इतना तो याद होगा 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 इंटू 12 144 हाँ, यानी कि 144 को क्या लिखोगे 12 इंटू 12 और 96 को क्या लिखोगे 12 8 जा 96, तो 96 को 12 इंटू 8 लिखोगे, इससे क्या फ़ायदा आइए हम आपको बताते हैं बच्चों, ये वाले 96 को आपने लिखा 12 इंटू 8 करेक्ट, 12 इंटू 8 साथ में क्या है इंटू में लिखा हुआ है क्या a इंटू बी इंटू सी इंटू, अब ध्यान दें बच्चों 3a सही है ना, 3a को आपने लिखा 3 इंटू ए माइनस 12 को आपने लिखा क्या 3 4 था 12 होता है, सो 3 इंटू 4 क्योंकि आपको पता है साफ साफ दिख रहा है यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से है ना, साथ में यहाँ पे देखो इंटू, अब बच्चों 5b को आपने लिखा क्या 5 इंटू बी और माइनस 30 को आपने लिखा 5 इंटू 6 क्योंकि 5 6 जो 30 होता है ना ठीक है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से 5 कॉमन मिल रहा है, इतना तो एक्सपीरियंस आपको अभी तक हो गया होगा, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं कि 5 इंटू 2 इंटू 3 6 को हमने 2 इंटू 3 नहीं लिखा, क्यों लिखेंगे भाई जब फर्स्ट टर्म में 2 है ही नहीं है ना, 5 कॉमन आ रहा है क्लियरली, तो 30 को 5 इंटू 6 लिख दिया, क्या प्रॉब्लम हो गई ठीक। चलो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको हमेशा बेसिक ही थोड़ी ना करते रहना है, आप ना शुरू से पढ़ के आ रहे हो ना, चलो फिर 144 को डिनोमिनेटर में देखिए, 144 को हमने लिखा क्या 12 इंटू 12 ठीक, फिर इंटू में क्या है ए माइनस 4 ए माइनस 4 इंटू में क्या है बच्चों बी माइनस 6 ओके। नाउ ध्यान दें प्लीज़,
सबसे पहले 12 से 12 चला गया, यस सर, ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है, ध्यान दें बच्चों, इज इक्वल्स टू 8 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक, इनटू में ए इनटू बी इनटू सी, और ध्यान दें बच्चों यहां से ये वाले ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में 3 आ गया ब्रैकेट के बाहर, सो सी के बाद इनटू में क्या हो गया 3, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ये वाले ब्रैकेट में से 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में, तो 3 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में ए, माइनस माइनस कॉपी किया सेकंड टर्म में 4, फिर इनटू, अब ध्यान दें बच्चों ये देखिए फर्स्ट टर्म में 5 है, सेकंड टर्म में 5 है, 5 आ गया ब्रैकेट के बाहर, और इनटू में ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में बी और माइनस सेकंड टर्म में 6, ओके ये हो गया, ठीक, कुछ नहीं है, 8 इंटू ए इंटू बी इंटू सी कॉपी कर लिया, इंटू में यहाँ से 3 कॉमन आ गया बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए माइनस 4 इंटू, अब देखो इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा बी माइनस 6, करेक्ट। अब डिवाइडेड बाय, ध्यान दें बच्चों डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय, ध्यान दें बच्चों प्लीज, डिवाइडेड बाय 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4, करेक्ट, 12 को आपने क्या लिखा 3 इंटू 4 लिख लिया, ठीक, इंटू में क्या है ए माइनस 4 है और इंटू में क्या है बी माइनस 6 है, ठीक, चलो बहुत बढ़िया, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, ए माइनस 4 कभी भी कोई ब्रैकेट न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से मैच कर रहा हो तो कैंसिल कर देते हैं ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे फैक्टर ही तो है मल्टीप्लीकेशन में, ये भी यहाँ का फैक्टर है, ठीक, तो ए माइनस 4 से ए माइनस 4 चला गया, फिर बी माइनस 6 से बच्चों बी माइनस 6 कैंसिल हो गया, ओके, और आप देख सकते हो ये 3 इंटू 3 कॉमन आया था ना, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ बच्चों क्या क्या हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान दें प्लीज़। न्यूमरेटर में देखो 8 बचा है, 8 को आप क्या लिखोगे 4 इंटू 2, क्योंकि नीचे 4 है, दिखाने के लिए हम आपको लिखते हैं 4 इंटू 2, 8 को हमने लिखा 4 2 8 होता है, ठीक, तो 8 को हमने लिखा क्या 4 इंटू 2, साथ में इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि साथ में बचेगा ए इंटू बी इंटू सी, करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, ये देखिए 5 बच रहा है, सो इंटू में क्या बचा 5 बच गया, और डिनोमिनेटर में कुछ बचा क्या, यस 4 बच रहा है, ठीक, सो डिनोमिनेटर में बचा 4, करेक्ट, देखिए 4 से 4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 5 है और 2 है मल्टीप्लीकेशन में, 5 2 क्या होता है भाई, 5 2 क्या होता है 10 होता है, सो 10 और साथ में क्या बचा ए बी सी, खत्म, 10 ए बी सी, सो योर आंसर इज व्हाट 10 ए बी सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो प्रिंट कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।